दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर हम यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें ना, तो इन्होंने पहले जो शुरुआत करी थी बिल्कुल बाजीगर की तरह करी थी, और अभी अगर हम केकेआर की बात करें तो कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल हो चुका है इनके खेमे में। दिल्ली कैपिटल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल का ऐसा चल रहा, एक मैच जीत रहा एक मैच हारा, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, मतलब बैक टू बैक मैचेस नहीं जीत पा रहा। और दोस्तों जब इन दोनों के बीच में आमना सामना हुआ है इससे पहले, तब कौन सी टीम किस पे पड़ी है भारी, ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के मैच में। तो चलो सबसे पहले हम ना यही देखते हैं। तो ओवरऑल इनके बीच में अभी तक 31 मैच खेले गए, जिसमें से दिल्ली कैपिटल ने 14 मैच जीता, केकेआर ने 16 मैच जीता, एक मैच नो रिजल्ट रहा। कहीं ना कहीं जो मामला है ना बिल्कुल बराबरी का। अप्रैल के महीने में इनके बीच में 16 मैच खेले गए, दोनों टीमों ने 8-8 मैच अपने नाम पे किया। यानी अप्रैल के महीने में जब इन दोनों टीमों के बीच में लड़ाई होती है ना, जो मामला है वो बिल्कुल बराबरी का रहता है। थर्सडे के दिन इनके बीच में एक मैच खेला गया जिसे दिल्ली कैपिटल ने अपने नाम पे किया, यानी जो थर्सडे का दिन होता है केकेआर के सामने दिल्ली कैपिटल अपने नाम करता है। लास्ट फाइव मुकाबले की बात करें तो डीसी ने 2 और केकेआर ने 3 मैच जीता। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट फाइव मुकाबले की बात करें तो बिल्कुल थोड़ा सा केकेआर किससे डीसी से आगे नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों बात तो वही होती है, आगे तो आगे फिर चाहे थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2022 जो पिछला मैच इन दोनों के बीच में खेला गया ना, उस मैच में डीसी ने केकेआर को धो धो के हरा दिया। मतलब इस सीजन दिल्ली कैपिटल बोला कि केकेआर तेरे से ना हो पाएगा, मुझे मैच हराना। तो दोस्तों आज के मैच में क्या दिल्ली कैपिटल फिर से वैसी परफॉर्मेंस दोहरा पाएगा और केकेआर को फिर से हरा के करेगा हर मैदान पते, या फिर दोस्तों केकेआर इस बार सच में है तैयार करने के लिए पलटवार, लेगा पिछली हार का बदला? आप ये जानना चाहते होंगे ना तो पूरी वीडियो देख लेंगे, पता चल जाएगा जो आज का मैच है ना इसकी कहानी क्या होगी, कैसे चलेगा, कौन सी टीम जीत सकती है आज का मैच। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, आप सभी का वेलकम है। आप सभी लोग करते हैं मिलकर वीडियो को लाइक, जब आप लाइक करते हैं ना यहां दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई ना आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है जान। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया ना बहुत ही फायदे में, आप सोच रहे अच्छा भाई ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पर, तो भाई साहब मेरी मत मानो, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, आईपीएल के 4-5 मैच में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा। आप बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अभी कौन सा देर हो गई, आईपीएल के सभी मैचों में फायदे में रहना है ना, बचे हुए मैचों में फायदे में रहना है ना, तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन में जाओ टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। बस एक चीज का ध्यान रखना, फेक से सावधान, मेरे नाम पर ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, और आपको पता जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कैसे है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो भाई लोग अगर हम इस मैच की बात करें तो थर्सडे 28 अप्रैल इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं, और यहां मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। आईपीएल 2022 के इस मैदान पर अभी तक 9 मैच खेले गए, जिसमें से 4 मैच में टारगेट चेंज हुआ, 5 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ। मतलब इस सीजन कहीं ना कहीं जो डिफेंड है ना यहाँ के मैदान पे कुछ ज्यादा हो रहा है, जो पहले यहाँ पे चेज ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन इस सीजन डिफेंड हो रहे हैं। और एवरेज स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 182, 182 रन टारगेट चेज की बात करें 174, 174 से नीचे स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 190+, 190 से ज्यादा स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 174 से 190 के बीच में टारगेट होगा, अब समझ जाना मामला बराबरी का है, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम आज की मैच की बात करें ना, जो आज का मैच है ना बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग होगा ना बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग होगा, मीडियम स्कोरिंग मैच होने वाला। क्यों होने वाला, क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना बेचारा अब थक चुका, जब थक जाता जो बॉल होता है ना बैट पे थोड़ा सा रुक के आता है, तो बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चौके छक्के लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि जो यहाँ की बाउंड्री लेंथ है वो 70 मीटर के आसपास की छोटी है, लेकिन जब पिच स्लो हो जाता है तो थोड़ा सा बाउंड्री लगाना मुश्किल होता है। हेल्प की बात करें जो गेंदबाज वेरिएशन करते हैं, जो कभी स्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, कभी नकल बॉल का इस्तेमाल करते हैं, कभी ग्रिप बनाते हैं, कभी स्विंग कराते हैं, उनको यहाँ के पिच से हेल्प मिल सकती है। अगर हम आज के मैच की पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 40 से 45 के बीच में रहने वाला। मैं 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 165 से 180 के बीच में आज की पावर प्ले का स्कोर रह सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने अभी तक 14 मैच खेले, 14 मैच में से 5 मैच जीता है, 9 मैच हारे हैं। अगर हम बात करें इनकी जो परफॉर्मेंस होती है यहाँ के मैदान पे कुछ खास नहीं होती। और दोस्तों इस सीजन आईपीएल 2022 में डीसी ने यहाँ के मैदान पे 2 मैच खेले और दोनों मैच हार गए। मतलब डीसी की जो कहानी होती है वानखेड़े के मैदान पे बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते, इन्होंने 13 मैच खेला, 13 मैच में से बस 3 मैच जीता, 10 मैच हारे। जो इनकी दुर्दशा है यहाँ के मैदान पे और भी ज्यादा खराब है। लेकिन केकेआर के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इस सीजन यहाँ के मैदान पे 2 मैच खेला और दोनों ही मैच जीता। मतलब इस सीजन जो केकेआर की टीम है वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ के मैदान पर। और केकेआर वर्सेस डीसी की बात करते, ये दोनों टीमें यहाँ के मैदान पे पहली बार आमने सामने होंगी, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम जीत का झंडा गाड़ेगी, देखने वाली
क्या बात होगी। चलो सबसे पहले हम ना यही देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की, जिन्होंने 7 मैच खेला, 7 में से 3 मैच जीता, 4 मैच हारा, इनके 6 पॉइंट्स है। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें, अगर मिशेल मार्श जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे अब फिट हो गए होंगे, मतलब रिकवर कर गए होंगे, तो सरफराज खान की जगह पे उनकी वापसी हो सकती है। बाकी मुस्तफिजुर रहमान की जगह पे आनिश नोकिया को मौका मिल सकता है। ये 2 चेंज हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल के खेमे में। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें, डेविड वार्नर पृथ्वी शो बहुत ही ज़्यादा अच्छी शुरुआत करते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर आता है, मिडिल ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा। चाहे हम यहाँ पर ऋषभ पंत की बात करें, ललित यादव की बात करें, अक्षर पटेल ने 1-2 मैच में बढ़िया पारी खेली थी। बाकी रोहन पवल की बात करें तो पिछले मैच में थोड़ा सा जागे थे, उससे पहले सभी मैचों में फ्लॉप रहे थे। अगर हम इनके गेंदबाजी की बात करें तो इनके गेंदबाजी सभी मैचों में शुरुआत बहुत अच्छी कर रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर दफीज की बात कर लें, खलील अहमद की बात कर लें, शरदुल ठाकुर की बात कर लें, पिछला मैच छोड़ गए क्योंकि पिछले मैच में यार जोश बटलर का तूफान आ गया था, सबकी धुलाई हो गई थी। कुलदीप यादव की भी बात कर लें, पिछला मैच छोड़कर सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करी है, तो गेंदबाजी इनकी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो इन्होंने 8 मैच खेला, 3 जीते 5 हारे, इनके 6 पॉइंट्स है, जो इनकी दुर्दशा है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो मे बी एक आधा चेंज हो सकता है, वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया जा सकता है या एक आध प्लेयर को और एंट्री हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा, बाकी जो होगा आगे देख लेंगे। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है, एक बल्लेबाज आया था एरोन फिंच, उन्होंने बढ़िया शुरुआत करी थी, उसके बाद कोई भी बल्लेबाज बढ़िया शुरुआत नहीं कर पाया। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में सीरियस अय्यर बढ़िया पारी खेले, नीतीश राणा आते हैं 10-12 25 रन बनाते हैं, आउट होकर चले जाते हैं। रिंकू सिंह पिछले मैच में मौका मिला, लग रहा था बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन वो भी चले गए। उसके बाद आंड्रे रसल और सीरियस अय्यर, ये दोनों बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर की बात कर लो तो ओपन भी करके देख लिया, फ्लो मिडिल ऑर्डर में खेल लिया फ्लो, तो इनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। गेंदबाजी की बात करें तो इनकी गेंदबाजी की भी दुर्दशा खराब है, क्योंकि उमेश यादव शुरुआत के मैचों में न्यू बॉल से विकेट चटका रहे हैं, पिछले 3-4 मैच से वो भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो इनकी जो शुरुआतें खराब हो जाती है। पैट कमिंस सभी मैचों में महंगे साबित हो रहे थे, तो पिछले मैच में टीम सऊदी को मौका मिला, टीम सऊदी ने बढ़िया गेंदबाजी करी। सुनील नारायण की बात करें तो सुनील नारायण भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो 4th और 5th गेंदबाजी जैसे वरुण चक्रवर्ती बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। शिवम माभी की बात करें, शिवम माभी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, शुरुआत में थोड़ा महंगे होते हैं, हालांकि डेथ ओवर में 1-2 ओवर अच्छे डाल देते हैं, तो इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों जगह प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने लास्ट के 6 मैच में बस 2 मैच जीता, 4 मैच हारे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाज 181 रनों का है, 181 T20 में बल्लेबाजी एवरेज बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.21 गेंदबाजी एवरेज भी हम बेहतर कह सकते हैं, जो कि दिल्ली कैपिटल का नजर आ रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, लास्ट के 6 मैच में बस 2 मैच जीता, 4 मैच हारे हैं, और दोस्तों ये जो 4 मैच हारे ना बैक टू बैक हारे हैं, इसलिए इनकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 172 रनों का, गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.84। अगर हम यहाँ पे चाहे बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लें, गेंदबाजी एवरेज की बात कर लें, ना बहुत अच्छा कह सकते हैं ना बहुत खराब कह सकते हैं, ठीक ठाक है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो दिल्ली कैपिटल की जो टीम है लास्ट 6 मैच के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में बेहतर नजर आ रही है। अगर हम इन दोनों टीमों की चेज और डिफेंड की बात करें, क्योंकि इस IPL में यहाँ के मैदान पर चेज और डिफेंड करना काफी ज्यादा मैटर कर रहा है, तो देखते हैं एक दूसरे के सामने कौन सी टीम चेज करने और डिफेंड करने में बेहतर है। दोनों ही टीमों को एक दूसरे के सामने 15-15 मैच में चेज करने का मौका मिला, तो दिल्ली कैपिटल ने 8 मैच में चेज कर लिया, 7 मैच में नहीं कर पाए। KKR ने 9 मैच में चेज कर लिया, 6 मैच में नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों का चेज थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। KKR थोड़ा ज्यादा बेहतर चेज करती है, अगर दिल्ली कैपिटल की बात करें तो 1 मैच में कर पाती है, 1 मैच में नहीं कर पाती। दिल्ली कैपिटल ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया है KKR के सामने 178 रन, और KKR ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया है DC के सामने 168 रन। और डिफेंड की बात करें तो डिफेंड में भी दोनों टीमों को 15-15 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला एक दूसरे के सामने। DC ने 6 मैच में डिफेंड कर लिया, 9 मैच में नहीं कर पाया, यानी DC फिसड्डी साबित हुआ डिफेंड करने में KKR के सामने। और KKR की बात करें तो ये 7 मैच में डिफेंड कर पाए, 8 मैच में नहीं कर पाए, यानी KKR जो है ना 1 मैच में डिफेंड कर पाता है, 1 मैच में नहीं कर पाता। दिल्ली कैपिटल ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया KKR के सामने 177 रन, और KKR ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया DC के सामने 133 रन। तो भाई लोग आपने यहाँ पे देखा दोनों टीमें ना चेज करने में तो ठीक ठाक है एक दूसरे के सामने, लेकिन जब डिफेंड की बारी आती ना दिल्ली कैपिटल काफी ज्यादा पिछड़ जाता है। KKR ठीक ठाक है, मतलब 1 मैच में कर पाता है, 1 मैच में डिफेंड नहीं कर पाता, तो ठीक ठाक ही है। तो भाई लोग आज के मैच में कौन सी टीम कर पाएगी बढ़िया परफॉर्मेंस, जीतेगी आज का मैच, चलो अब हम ना यही जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर डालो यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब। तो सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियम अनुसार अगर हम इस मैच की बात करें, ये जो मैच है ना वो 50-50 है, 50 दिल्ली कैपिटल और 50 कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो आज का मैच होगा ना कोलकाता नाइट राइडर्स अपने नाम पर
तरफा कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी विन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना, कोविड का टाइम चल रहा, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, उस कंडीशन में क्या होता है, टीमें बदल जाती हैं। भाई साहब, जब टीम बदल सकती है तो मैच विनर भी तो बदल सकता है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो आपके लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया है ना, बड़े बड़े फायदे में। आप सोच रहे हो कि अच्छा भाई ऐसा क्या है तेरे टेलीग्राम पर, तो भाई साहब मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। IPL के 4-5 मैच में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा, आप बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अभी कौन सा देर होगी, IPL के सभी मैचों में फायदे में रहना है ना, बचे हुए मैचों में फायदे में रहना है ना, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, फेक से सावधान। मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, और आपको पता है जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी ना, वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।